लव स्टोरी की तीसरी शॉर्ट फिल्म का टाइटल सेक्स विद एन एक्स है, जिसे बदला और कहानी के निर्देशक सुजोय घोष ने निर्देशित किया है। इसमें विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। कहानी विजय के साथ शुरू होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे मिलने भी जा रहा होता है, और जब उसका ध्यान वीडियो कॉल पे था तभी उसके साथ एक भयंकर हादसा हो जाता है और वो एक आदमी की साइकिल से शहर पहुंचता है और जल्दी ही उसके मैकेनिक की दुकान में अपनी गाड़ी दे देता है ठीक करवाने के लिए, और फोन से किसी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन फोन में सिग्नल ना होने के कारण उसे कोई भी मदद नहीं मिल पाती। इसके बाद वो कॉफी के साथ पूरा शहर घूमने लगता है, तभी उसे एक कम्युनिटी सेंटर दिखता है जिसमें एक लड़की कई लोगों को डांस सिखा रही होती है। विजय याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कहाँ देखा है इस लड़की को, फिर उसे याद आता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी शांति है। गजब की याददाश्त है भाई की, और शांति पहले से काफी बदल चुकी है। विजय ने पूछा कि वो कहाँ थी, क्योंकि 10 साल पहले अचानक गायब हो जाती है वो। उसके साथ बातचीत करते हुए एक पुलिस वाला भी आता है और विजय को चेतावनी देता है कि वो इस शहर से जल्दी चला जाए, लेकिन विजय नहीं सुनता, शांति के घर चला जाता है। इन सभी के बीच विजय बताता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। आगे हमें पता चलता है कि विजय की दूसरी पत्नी अनु शांति की भी दोस्त है। बातचीत के दौरान विजय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और शांति के साथ वो फिजिकल हो जाता है, और आगे हमें पता चलता है कि शांति पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विजय था, क्योंकि विजय को अनु के पापा की दौलत चाहिए होती है, इसलिए उसने पहले शांति को अपने रास्ते से हटाया, फिर अनु से शादी कर ली। और विजय को अब लगता है कि शांति को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो उसे पास रखे तकिए से मार देता है और उसके घर से भी भाग जाता है। ऑब्वियसली भागा भागा जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो वह ये देख के हैरान रह जाता है कि गाड़ी में जो लाश दिख रही है वो उसकी खुद की है, और फिल्म का फाइनल ट्विस्ट भी यही है कि वो मर चुका है और यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। चलिए अब एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि विजय और शांति दोनों मर चुके हैं, और विजय का शांति से मिलना, फिजिकल होना सब एक कल्पना थी। कहानी में शांति पहले ही मर चुकी थी 10 साल पहले, और आखिर में विजय की भी मौत हो जाती है। फिल्म में विजय और तमन्ना का काम काफी बढ़िया था, और पूरे मूवी में ही भर भर के बोल सीन्स हैं। अगर तुम खतरों के शौकीन नहीं हो तो इसे फैमिली और बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय बाय।